भारत के अंदर जो अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं या जो पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, उनका एक ही क्वेश्चन अराइज होता है बार बार कि सर मुझे जो पैसा इन्वेस्ट करना है ना एसबीआई के अंदर करना है। एसबीआई यानी कि भरोसा। अब उन्हें कौन बताया कि भैया एसबीआई से भी बेहतर स्कीम है, लेकिन एक माइंड सेट ऐसा होता है कि भाई नहीं, मुझे एसबीआई के अंदर ही पैसे इन्वेस्ट करना है। आप बेस्ट ऐसी स्कीम बताइए जहां पे पैसे इन्वेस्ट करें और बहुत बढ़िया रिटर्न्स मुझे मिले। तो आज बात करेंगे 5 SBI के टॉप स्कीम के बारे में, जिसने लगभग 1 साल के अंदर 51 से लेकर 77% तक का रिटर्न बना के दिया है। 50 से लेकर के 77% रिटर्न 1 साल के अंदर बना के दिया है। टॉप 5 का बहुत सारे 8-10 स्कीम है, लेकिन मैंने 10 में से टॉप को सेलेक्ट किया है 5 में। आप भी अगर एसबीआई में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। बिल्कुल भागिएगा मत, जाइएगा मत, बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको वो स्कीम का पता चले जहां पे आप पैसे इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न्स पा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं हूं डॉक्टर राम पांडे, रिसर्च इन फाइनेंस, आपका फाइनेंशियल गाइड। आपसे एक मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, इकोनॉमी, इस तरह के रिलेटेड सारी वीडियोज आती रहती हैं। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिए ताकि इस तरह के कंटेंट आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा पहले स्कीम के बारे में। ये मैंने पहला स्कीम लिया है और इस पहले स्कीम को थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में देखते हैं, बड़ा करके देखते हैं और देखते हैं यहाँ पे। ये स्कीम जो है वो है हमारा एसबीआई पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। यानी इसका पैसा जो है ना वो पूरा कहाँ जाता है भाई, सरकारी कंपनियों के अंदर जाता है इसका पूरा पैसा। अब ये 2013 में आया था, ये थीमेटिक है, आपको पता है भैया पीएसयू। इसकी जो फंड साइज है 4,600 करोड़ करीब फंड साइज है। मेन है इसका जो हम लोग एनालिसिस करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में देखें तो देखिए आपको एक्सपेंस रेशियो बेहद कम नजर आ रहा है, आपको 1% से बहुत कम नजर आता है। अगर 1% से कम नजर आ रहा है तो भैया वो बढ़िया है, आपको हर साल देना पड़ता है। शार्प रेशियो आपको 1 के ऊपर मिल गया, 1.5 के ऊपर मिल गया तो पूछो ही मत भैया, बल्ले बल्ले है। अब इसमें क्या होता है, शार्प रेशियो आपको रिस्क एडजस्टमेंट का जो एक होता है ना, कितना रिस्क एडजस्ट करता है, तो एक वाला जो होता है ना गुड होता है, 1 के ऊपर जो आप समझ लीजिए बढ़िया है। अल्फा शो करता है कि बेंचमार्क से कितना बड़ा रिटर्न्स बना के दिया है, यानी 1 है, यानी इसका मतलब है कि अपने बेंचमार्क से अधिक रिटर्न्स बना के दिया है। 1 से कम है तो यानी कि उसने अपने बेंचमार्क से कम रिटर्न्स बना के दिया, तो इसने अपने बेंचमार्क से अधिक रिटर्न्स बना के दिया है। बीटा की जब भी बात करते हैं, 1 से नीचे बीटा हो तो बढ़िया माना जाता है, ध्यान दीजिएगा 1 से नीचे हो तो बढ़िया माना जाता है। मीन मीन तो कमाल का यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सर, आपको 25, 30, 30 के ऊपर मीन, यानी कि 30 के ऊपर और 40 के नीचे, 45 के नीचे आपको मिल जाए तो बहुत बढ़िया मिलते हैं, और 20 के नीचे अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाए, जो कि इसमें क्या होता है ना कि अब जितने भी हमारे वॉलिटिलिटी होती है वो हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन से चेक किया जाता है। वॉलिटिलिटी कितना भैया तेजी से बढ़ता है, कितने तेजी से घटता है, तो इसमें वोल्टेटी 20 है, बहुत तेज से ना बढ़ता है ना घटता है। जितना वो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन कम रहेगा उतनी ही आपके लिए बढ़िया और रिस्क फ्री फंड माना जाता है। जैसे कि हमने बोला कि भैया देखिए 1 साल के अंदर इसने 59% रिटर्न बना के दिया है, 3 साल के अंदर 39% का, 5 साल के अंदर 28% का, और 10 ईयर्स के अंदर, तो जब भी इसके रिटर्न आप देखेंगे ना तो कुछ सालों में, यानी आप इस फंड के अंदर आप 4 से 5 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया फंड है जहां पे आप पैसे को अच्छे खासे इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न्स आपको मिल सकता है। दूसरा फंड जो हमने लिया है वो है हमारा यहाँ पे एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 15 ईटीएफ है। अब इसमें क्या है भैया, ईटीएफ का मतलब आपको पता है कि भैया आपको क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे निफ्टी 50 टीआर है, तो एक बंडल ऑफ स्टॉक्स आपके एक ही जगह आपको मिल जाते हैं, एक ही आपके टोकरी के अंदर मिल जाते हैं जहां पे आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको एक तरफ सही है कि आप स्टॉक्स डायरेक्ट शेयर मार्केट के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप किसी शेयर्स के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसकी जो फंड साइज है वो है 3,000, 2015 में आया था, एक्सपेंस रेशियो बेहद कम है, शार्प रेशियो 1 के करीब दिखाई दे रहा है, अल्फा का माल दिख रहा है, बीटा थोड़ा सा 1 के ऊपर नजर आ रहा है, मीन डेविएशन ठीक ठाक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो बात करें वो 20 के नीचे है। रिटर्न से फोकस करते हैं, रिटर्न 60% यहाँ पे दिया हुआ है पहले साल में, तीसरे साल में 20% का रिटर्न है, पांचवें साल के अंदर हमारा यहाँ पे 23% का रिटर्न बना करके दिया है, तो एक कमाल रिटर्न है। यहाँ पे आप पैसे को आप अच्छे खासे इसमें एक
पोटेंशियल है जहां पे पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा फंड जो मैंने लिया है वो है हमारा एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50। नेक्स्ट 50 का मतलब होता है कि जितने भी 51 से लेकर के 100 रैंक की कंपनियां होती हैं उसमें आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। इंडेक्स फंड है, डायरेक्ट आपके इंडेक्स में जाता है पैसा। 2021 में बहुत पुराना फंड नहीं है, 1200 करोड़ की इसकी फंड साइज है। एक्सपेंस रेशियो बहुत कम, 0.33%। और जितना एक्सपेंस रेशियो कम हो उतना आपके लिए क्या हो, वही बेहतरीन है। शार्प रेशियो आपको देखेंगे तो 1% से नीचे दिखाई दे रहा है। अल्फा 4 यानी कि 4% अधिक रिटर्न्स बना के दिया है अपने बेंचमार्क से। बीटा हालांकि 1 से थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है। मीन डेविएशन की बात करें तो यहाँ पे 21 दिखता है, स्टैंडर्ड डेविएशन 20 के नीचे। कमाल का है, बढ़िया फंड है। एक साल के अंदर इसने 60% का रिटर्न्स बना के दिया है, हालांकि 3 साल के अंदर इसने 20% का रिटर्न्स बना के दिया है। ओवरऑल की बात करें तो 23% का इसने रिटर्न्स बना करके अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो ये भी एक कमाल का फंड है जहाँ पे आप पैसे को इन्वेस्ट किया जा सकता है। बढ़िया फंड है एसबीआई का। इसके अलावा बहुत सारे फंड है, मैंने रिटर्न बेसिस पे लिया है तो आपको ध्यान दीजिएगा। टॉप के जो रिटर्न्स एक साल के अंदर दिए हैं उनके बेसिस पे मैंने लिया है फंड। नेक्स्ट जो है हमारा एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से हमारा जो सरकार का एक एम है, गोल है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करना है, डेवलप करना है, बढ़िया करना है। ये पुराना फंड है, 2013 में आया था। फंड साइज देखें तो लगभग 4500 करोड़ की फंड साइज है। एक्सपेंस रेशियो इसका थोड़ा सा बढ़िया 1% से ऊपर दिखाई दे रहा है। शार्प रेशियो कमाल का है सर, इस रिस्क एडजस्टमेंट इससे कमाल का है। अल्फा जो देखेंगे तो 8.21% का रिटर्न मोर देन बेंचमार्क दिया है। बीटा की बात करें तो 0.76% का। मीन डेविएशन 29 कमाल का है सर। और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन बेहद कम आपको दिखाई दे रहा है, 12। इसने एक साल के अंदर 54% रिटर्न बना दिया। अब आप कमाल का है ना, 54% एक अच्छा खासा रिटर्न माना जाता है। 3 साल के अंदर 30% रिटर्न, 5 साल के अंदर 30% रिटर्न और 10 साल के अंदर 18% रिटर्न बना दिया। ओवरऑल इसने 17.5% का रिटर्न बना। तो इसमें भी कमाल है, कमाल की ये फंड पोटेंशियल है जहाँ पे आप पैसे को इन्वेस्ट किया जा सकता है। लास्ट फंड है हमारा एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी डायरेक्ट ग्रुप फंड, ईएलएसएस का फंड है, ध्यान दीजिएगा। इसमें आप 2013 में पैसा इन्वेस्ट, बहुत पुराना फंड है, 2013 में आया था। 27,000 करोड़ की फंड साइज है, 27,500 करोड़ की फंड साइज है। एक्सपेंस रेशियो 1% के नीचे 0.95%, शार्प रेशियो 1.46 और अल्फा कमाल का है, 10 का अल्फा यानी मोर देन बेंचमार्क से 10% रिटर्न्स बना के दिया। बीटा 1 के नीचे दिखाई दे रहा है, कमाल का है। मीन 26 है, कमाल है भैया। यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ये भी आपको बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। इसने 51 लगभग 50.48% रिटर्न्स बना के दिया, बेंचमार्क से अपने काफी बड़ा रिटर्न्स बना के दिया है। 3 साल के अंदर 27%, 5 साल के अंदर भी 27-28% रिटर्न्स बना के दिया है। ओवरऑल इसने 18% का रिटर्न्स बना करके दिया है। ओवरऑल का मतलब कि भाई अभी जब तक 2013 से लेके अभी तक का ये 18% का रिटर्न्स बना के दिया। तो इन 5 फंड्स के अंदर पोटेंशियल है। इसके अलावा ऐसा नहीं कि बहुत सारे जो आप रिटर्न्स चाहते हैं, रिटर्न्स के बेसिस पे आप चाहते हैं कि फंड्स मिले, तो ये 5 फंड है टॉप के जो एक साल के अंदर बहुत बढ़िया रिटर्न्स बना करके एसबीआई की तरफ से दिए। वीडियो पसंद आती है, कुछ भी वैल्यू और एडिशन हुआ है आपके नॉलेज के अंदर, तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।